What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 4 फरवरी 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:10 हो रहे हैं। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। बजट के बाद हमने एक फॉल देखा है, तो इसके बाद एक सपोर्ट का लेवल अराउंड 11,600 के पास कल हमने वीडियो में एनालिसिस किया था। कल वहां से कोशिश थी रिकवरी होने की, तो क्या अभी इंडेक्स यहां से रिकवर होगा? अगर और फॉल आता है यहाँ से और करेक्ट होता है मार्केट, तो नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल कहाँ पर हो सकता है? आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 3 फरवरी आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,718 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,629। तो जैसे कि इस लेवल को कैसे आइडेंटिफाई किया था, ये अगर आपको देखना है तो कल के वीडियो की लिंक या ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग जैसे ही निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ, इस रेंज के बीच में ओपन हुआ, एग्जैक्ट ब्रेकडाउन लेवल को ये पेनेट्रेट किया दो बार, इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ 10 मिनट के चार्ट में, पेनेट्रेट करके बाउंस बैक हुआ और जैसे ही ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया, हमारा फर्स्ट टारगेट 11,746 ये अचीव हुआ। एग्जैक्ट इसी लेवल के पास निफ्टी इंडेक्स ने कल रेजिस्टेंस फेस किया है। काफ़ी एक्यूरेट ये लेवल साबित हुआ और काफ़ी देर ये पूरा दिन साइडवेज पैटर्न में ट्रेड होता रहा। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 13,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। उससे पहले कल इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है वो काफ़ी अच्छा आया है, तो इसके वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ पर अच्छा खासा हमें तेज़ी देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट्स के हालात कल काफ़ी अच्छे थे, वहाँ पर भी एक रिकवरी देखने को मिल रही है। अभी जो नेक्स्ट इवेंट है वो थर्सडे का है, आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी है। बजट के बाद आरबीआई का व्यू क्या होता है इसके ऊपर आने वाले ट्रेंड हमें हम डिसाइड कर सकते हैं, कंफर्मेशन मिल सकता है। तो कल यूएस मार्केट में रिकवरी देखने को मिली, यूरोपियन मार्केट्स में भी हरे निशान में सभी इंडेक्स बंद हुए। एशियाई बाज़ार आज अच्छे खासे तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, चाइना मार्केट भी हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो 85 पॉइंट्स की बढ़त दिखा रहा है, तो एक रिकवरी यहाँ से देखने को मिल रही है। जब तक रिकवरी में हायर आए हायर लोज के पैटर्न नहीं बनते तब तक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल कंफर्मेशन हमें नहीं मिल सकता। देखते हैं चार्ट क्या कहता है। निफ्टी का वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह है निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट। यहाँ पर हमने इस लो और इस हाई को पकड़ के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था। तो जैसे कि इसका 61.8% का लेवल 11,600 एग्जैक्ट ऑलमोस्ट ये जो 50 EMA का ब्लू लाइन है वीकली चार्ट में इसी के पास आ रहा है, तो 600 का एक मेजर सपोर्ट है। कल इसी लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाने की कोशिश की है। तो अभी ऊपर जाते वक्त एज पर वीकली चार्ट फर्स्ट हर्डल होगा, वीकली चार्ट के हिसाब से 11,888 ये फर्स्ट हर्डल होगा निफ्टी इंडेक्स के लिए। ये पार करने के बाद ये जो लॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक यहाँ पर क्रिएट हुआ है इसके बीच में जब तक ये ट्रेड करेगा तो एज पर वीकली चार्ट यहाँ पर इनसाइड बार ट्रेडिंग दिखाई दे सकती है। तो जब तक इस कैंडल का हाई और लो कंफर्टेबली ब्रेक नहीं करता तब तक हमें यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेंड का कन्फर्मेशन नहीं मिल सकता। तो अभी फिलहाल रिकवरी की कोशिश यहाँ पर जारी है, ये कंटिन्यू अपसाइड रैली में कन्वर्ट होगा या नहीं ये टेक्निकल पैटर्न्स हमें आने वाले समय में बता सकते हैं। तो फिलहाल अभी 11,600 का यहाँ पर सपोर्ट बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट पर चलते हैं। यह है डेली चार्ट। कल का अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो हमने यहाँ पर दो सपोर्ट लेवल्स को आइडेंटिफाई किया था, एक तो 11,600 का जो कि 61.8% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल था, दूसरा 11,450 जहाँ पर ये गैप क्रिएट हुआ था पास्ट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ है ये यहाँ पर, और एक गैप क्रिएट हुआ था पास्ट में यहाँ पर, और फिर इसने कई बार इस लेवल के पास
ये सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक हुआ है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस बैक हुआ है। तो 11,450 भी एक क्रूशियल सपोर्ट है, अगर 11,600 किसी हालत में ब्रेक होता है तो। अभी ऊपर जाते वक्त ये 100 EMA का ये जो लाइन है ये अराउंड 11,900 के पास आ रहा है। हमने वीकली चार्ट में देखा कि 20 EMA, ये जो पिंक लाइन है ये भी 11,900 के पास आ रहा है। तो यहाँ पर 11,900 का फर्स्ट रेजिस्टेंस हर्डल होगा, अगर ऊपर इसे अपसाइड रैली में कन्वर्ट होना है तो 11,900 का फर्स्ट हर्डल होगा, और उसके बाद इन तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें कन्फर्मेशन मिलेगा कि यहाँ से अप ट्रेंड फिर से एक बार हमें दिखाई दे सकती है निफ्टी इंडेक्स में। RSI को देखें तो अभी ये 30 लेवल के पास है, यानी ओवरसोल्ड जोन के पास है। पास डेटा को अगर एनालिसिस करते तो ये देखिए, यहाँ पर ये 30 के पास आ गया, ये 30 के पास आ गया, अभी फिर से एक बार 30 के पास है। तो यहाँ से हमें प्राइस एक्शन में जब भी ये 30 के पास आता है तो ऊपर एक अपसाइड मोमेंट हमें देखने को मिलता है। जब भी ये सीधे, ये आप देख सकते हैं, जैसे 30 लेवल के पास आता है एक हमें अपसाइड देखने को मिलता है। लेकिन ये 30 का ये जो लेवल है जब यहाँ पर आता है तो यहाँ से ये एक्सट्रीम ओवरसोल्ड भी हो सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहना होगा। यहाँ से बाउंस बैक आने की उम्मीद है, लेकिन जब तक प्राइस एक्शन में हायर आए, हायर लोज नहीं बनते, तब तक यहाँ पर कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा आप ट्रेंड का। तो 30 के लेवल के पास है, उम्मीद है कि यहाँ से बाउंस बैक निफ्टी इंडेक्स हमें दिखा सकता है। तो ये हमने डेली और वीकली चार्ट का एनालिसिस किया। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। यह है 60 मिनट का चार्ट। अगर RSI और प्राइस एक्शन को देखें तो RSI में जस्ट एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बन रहा है। RSI में ये होगा कप का पोर्शन और ये होगा इसके हैंडल का पोर्शन, और इसने RSI में इस ये जो नेक लाइन बन रहा है इसका भी इसने ब्रेकआउट दे दिया ऊपर। या देखें प्राइस एक्शन में तो इसने यहाँ पर एग्जैक्ट डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया, काफ़ी एक्यूरेट डबल बॉटम फॉर्मेशन है, लेकिन अभी तक इसने ये जो नेक लाइन है इसका ब्रेकआउट नहीं दिया। तो इस नेक लाइन के ऊपर जैसे ये सस्टेन करेगा तो हमें यहाँ से और अपसाइड मूव, यहाँ से और रिकवरी फेज कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। तो आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते। कल एक साइडवेज पैटर्न में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा था, एक रेंज बन गया था। तो आज अगर निफ्टी इंडेक्स ऊपर की तरफ मूव करता है तो कल के हाई के ऊपर एग्जैक्ट R1 का पिवट पॉइंट का लेवल आ रहा है, तो ये आज हमारे लिए हो सकता है ब्रेकआउट लेवल, यानी 11,767 ये हो सकता है हमारे लिए ब्रेकआउट लेवल। तो ये हम इसे मार्क कर देते हैं एज अ ब्रेकआउट लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,793, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा ये पिंक लाइन, यानी ये ऑलमोस्ट पिवट पॉइंट का R2 के लेवल के पास आ रहा है, जो कि 11,826 के पास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ मूव करता है तो यहाँ पर ये जो एक बेस बना है डबल बॉटम फॉर्मेशन का, अगर आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके देखें तो क्लियरली दिखाई देगा। तो इसका ये जो बेस का फॉर्मेशन है यहाँ पर, जिसने डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया है दो बार, तो इस लेवल को अगर ब्रेक करता है टूवर्ड्स साउथ की तरफ तो ही हम यहाँ से इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा आज के लिए ब्रेकडाउन लेवल, और इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही शॉर्ट करें, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,650, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,625, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो यह है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, और आपके दोस्तों के साथ भी इस YouTube चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।